फाइलें बड़ी हैं, तो लिहाजा एक ऐसा आदमी ला के लगा दिया जाए जिसमें सब खुश हो जाएं। सब खुश होने के लिए आदमी को आइसक्रीम बेचनी चाहिए, अगर सबको खुश करना है तो। ये सियासत और ये मुल्क चलाना, इसमें आप सबको खुश नहीं कर सकते। आज मुल्क में जो हाल हुआ है इकॉनमी का, उसके ऊपर तफसीलन बात तो मुजम्मिल करेंगे, उनको आज हमने जहमत इसलिए दी है कि वो आज आपको इकॉनमी के ऊपर तफसील से बता सकें। लेकिन जो इकॉनमी का इस वक्त एक हाल है, जो एक ले मैन की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप कैमरा मैन के घरों पर गुजर रही है, या आपके रिपोर्टरों के घरों पर गुजर रही है, या हमारे जैसे मुतवस्सित तबके के लोगों के ऊपर गुजर रही है, उसमें हालात ये हैं कि जो इम्पोर्ट्स हैं उसके लिए कंटेनर्स पोर्ट पर पड़े हुए हैं। कल मेरी कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट से बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि जी क्या हालात हैं। उन्होंने कहा कि जी बैंक के पास पैसे नहीं हैं एलसी रिटायर करने के लिए, कंटेनर्स पोर्ट पर पड़े हुए हैं, और जिन्होंने एक्सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, वो अब फ्रेश एलसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पिछले पैसे अभी तक नहीं मिले, तो वो उनका माल वाल पोर्ट पर पड़ा सड़ रहा है। एक्सपोर्टर्स की बिल्कुल एक्सपोर्ट गिर गई है, फार्मास्यूटिकल तबाही की तरफ पहुँच गई है,